अब आ रहे हैं हंसने हंसाने के किंग और मल्टी टैलेंटेड स्टार जसवंत सिंह राठौर. मैं दुनिया में कहीं चला जाऊं सिर्फ इतना बताना पड़ता है आई एम फ्रॉम पंजाब. सामने वाला बोलता है आपको भी एल्बम आया गाना वाना सुनाओ. यहाँ आके पहले मैं महसूस कर रहा हूँ खुशी अपनी क्योंकि जब मैं बच्चा था तो मैं भी सिंगर ही बनना चाहता था. अर्चना जी क्या बात. लेकिन मैं जब भी कभी गाया मैंने लोग हंस देते थे बोले यार लाफ्टर में जाओ बहुत अच्छा साथ. जब लाफ्टर में गया अब ये सिंगिंग शो में लेके आ गए. मैं कंफ्यूज हूँ हंसाऊं या गाऊं. मुझे इनको देख के थोड़ी जेलसी भी होती है. क्यों? क्योंकि देखो इस उम्र में जहाजों में घूम रहे हैं सोनी चैनल पे आ रहे हैं. एक हमारा बचपन था आधी जिंदगी दूरदर्शन का एंटीना घुमाते निकल गई आगे 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 चल गई जगह आगे 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 चली चली जगह. ये YouTube दबाते हैं दुनिया भर के गाने गाते हैं. हमारे जमाने में बचपन में गाना यही था बेला गुलाब जूही चंपा चमेली फूल है अनेक किंतु माला तो एक. वाह वाह. लेकिन मैं एक बात से बड़ा हैरान हूँ इतना अच्छा टैलेंट पढ़ाई भी मैनेज कर रहे हैं. मैंने कहा यार हमसे तो एक काम नहीं हो पाया. तो मैंने वो बच्चे ऋतुराज से पूछा मैं कहा बताओ सौर्य मंडल की खोज किसने की. कहना हमारे हिमेश रेशमिया सर ने. मैंने कहा बेटा वो सौर्य मंडल ही रानु मंडल जी हैं. सर सैल्यूट है आपको इतना अच्छा टैलेंट आपने दुनिया को दिया. ये एक्चुअली 3G 4G वाले बच्चे हैं. हम थे मम्मी जी डैडी जी टीचर जी वाले जिनके एक थप्पड़ से नेटवर्क आ जाता था. अच्छा जितने मर्जी स्मार्ट हो जाए हमें सर इनको अंदाजा भी नहीं एक जमाने में ऑडियो कैसेट और पेंसिल का भी एक रिश्ता था. बिल्कुल. कैसे मैं बता देता हूँ. जब हम गाना लगाते थे ना टेप में मैंने प्यार तुम्हें से किया अब चाहे जो दुनिया तो पेंसिल ही काम आती थी. अलका जी मैं झूठ नहीं बोल रहा. अरे मैं मुझे पता मुझे, है मैंने देखा हुआ ये सब. मुझे आपका ऑडियो ट्रेलर तक याद है. सागर संग किनारे हैं. सागर संग किनारे हैं और फिल्मी सितारे हैं अजय देवगन और कमसिन तबू. हे रुक 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 अरे बाबा रुक. ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक. मदमस्त आवाजों में कुमार शानू और अलका याग्निक लिशा चलाए गीत इंदिवर के और म्यूजिक सजाया अनु मलिक ने. राह में उनसे मुलाकात हो गई जिससे डरते थे वही बात हो गई. ये बात ऐसी नहीं बनेगी. जाना पड़ेगा ऑडियो कैसेट डीलर के पास. वो लेके आना पड़ेगा विजय पथ. ये थे जुनून वाले भोलेपन वाले दिन. लेकिन जब हम समझते थे टीवी वीसीआर पे फिल्में देखते थे ऐसा लगता था जो हीरो है वही गा रहा है. जब हम लेट 80s में 90s में बड़े हुए तो हम धर्मपाजी की फिल्में देखते थे वीरू दादा टाइप तो उनको आवाज देते थे मोहम्मद अजीज साहब एक्शन किंग तो आवाज लगता था वही गा रहे हैं. इस दुनिया में जी नहीं सकता आदमी सीधा साधा इसलिए मैं बन गया वीरू से वीरू दादा. आज जैसे कॉमेडी और सिंगिंग का सुमेल हुआ है संगम ये पहले भी होता रहा है. पता नहीं चलता था. एक्टर अपनी जगह स्टार सिंगर अपनी जगह स्टार लेकिन जो प्लेबैक करते थे हंसी आ जाती थी. जैसे शत्रु साहब भारी भरकम आवाज उनकी. राकेश लड़की को तो मैं बचा लूंगा लेकिन तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा. वाह क्या बात. इनकी आवाज तो ठीक है. इनका रोमांटिक गाना प्लेबैक किया नितिन मुकेश साहब ने. यहीं कहीं जिया रामा है गोरिया गुम होई गवारे. अबे क्या सा करेक्टर चेंज करके रख दिया. वो बोले अच्छे अच्छा था मैं ही गा लेता. सोचिए अगर शत्रु साहब ने यही खुद गाना गाया होता. यही कहे जियरा हमार
गौरिया कम हो गवार गौरिया का कालिया भी भाग जाता। उसके बाद मेरे फेवरेट दत्त साहब, उनकी मर्दाना आवाज, मर्दाना पर्सनैलिटी। लाला मेरी माँ के कंगन वापस कर दे लाला। वाह। अब इनको प्लेबैक मुकेश साहब ने किया था। सावन का महीना पावन करे सोर, जियारार मन माला गे जैसे बन माना चे मोर। अगर दत्त साहब ये खुद ही गाना गाते उस समय, सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रहा है मन में लागे जैसे बनमा नाचे मोर, नूतन जी भाग गई है कोई और। नूतन जी भाग। अब मेरे फेवरेट हैं अनु मलिक साहब। उन्होंने सबको प्लेबैक किया है, जिनका भी उनके पास गाना आता था उसको वो प्लेबैक करते थे, अगर नहीं मौका मिलता तो बीच में आवाज घुसा देते थे अपनी। सब एक्शन स्टार्स को दिया, जैसे मिथुन साहब, ओ बॉय, उनकी आवाज ऐसी, उनको भी गाना दिया है। ए जोली जोली, जोली का दिल तुझ पे आया जोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सोली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है। सलमान साहब को भी दिया है, ऊंची है बिल्डिंग, अरे तेरी बंद है, अरे कैसे मैं आऊं, अरे दिल राजा मांग है। शाहरुख साहब को भी, मैं मिला तो मिली, मैं मिला तो मिली, मैं मिला, दुनिया चले तो चले, प्यार करेंगे तुझ पे मरेंगे, तक तक दिल चुकरे, ए लवली। चलो ये सब तो ठीक है, धर्म पाजी को भी प्लेबैक किया है। अच्छा, उनकी आवाज देखो तहलका में। लेकिन डिया जी साहब, अगर ऐसी बात है तो भी नहीं रुकेगा ये बात, और उनको गाना ये दे रहे हैं, और मैं हूँ गरम धरम कैसी शरम, और मैं हूँ गरम धरम कैसी शरम। एक में लेकिन एक बार जोरदार तालियां हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, म्यूजिक इंडस्ट्री को, एक्टर्स के नाम पे। जसवंत, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम सुपर संगम की होप हो और लाफ्टर की तोप हो। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। जसवंत, कॉमेडी सिर्फ पंचेज लिखने की बात नहीं होती, तुम्हारे एक्ट में बहुत बहुत एविडेंट है कि कितनी रिसर्च गई है, आपने कहाँ से कहाँ गाने जोड़े हैं, आपने बताया कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने, मतलब एक हिस्टोरिकली आप हमें एक जर्नी पर ले गए थ्रू योर कॉमेडी एंड योर सिंगिंग इज ब्यूटिफुल जसवंत। मतलब वाकई में दोनों का सुपर संगम है यहाँ पर, लवली टू हैव यू हियर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।